हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमन शर्मा और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सेकंड मेथड जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो बेटे, इस एवरेज प्रॉफिट मेथड से मेथड किस तरीके से डिफरेंट है। यहाँ पे आपको हर साल का वेटेज दिया होगा कि हर साल का वेटेज आप कितना लेकर चलेंगे, इस साल के लिए एक, दूसरे साल के लिए दो, पिछले साल के लिए तीन, अगले साल के लिए चार, इस तरीके से आपको जो है ना चार या पांच साल जितने साल टाइम का भी होगा आपको वेट जरूर दिया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप गुडविल निकालने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला होगा आपका गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है ना। परचेजिंग ईयर जो होंगे, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर उनका आपको दिया होगा कि तीन साल है, चार साल है, ठीक है। अब बात आती है कि आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। यहां पर बात आती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का जो मेथड होगा, जो सॉरी फॉर्मूला होगा, वो होगा टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। जो भी टोटल प्रॉफिट था उसके टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे उसको आप, तो वो निकल जाएगा आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना। नंबर ऑफ परचेजिंग हम समझ चुके, जितने साल आपको लगातार गुडविल बननी है उसके आप मल्टीप्लाई उसमें करेंगे तो वो आपका क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल जाएगा। देखो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। समझेंगे ध्यान से। सपोज आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है कि एक बिजनेस था, उसे सपोज 2009 के अंदर 15,400 का प्रॉफिट हुआ, जबकि 2010 में उसे 17,600 का प्रॉफिट हुआ, 2011 में उसे 23,400 का प्रॉफिट हुआ, जबकि अगर हम बात करें 2012 की तो सर 24,620 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ इन ईयर के जो वेट थे उसके सामने दे दिए गए कि जो इनके वेट होंगे, इसका वेट वन होगा, इसका वेट टू होगा, इसका वेट थ्री होगा, इसका वेट आपका फोर होगा, ठीक है। अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। साथ ही साथ आपको बेटे देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक और चीज बता देगा कि जो आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस है, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, वो आपका यहाँ पे थ्री ईयर है, ठीक है ना। और आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। कैसे कैलकुलेट करेंगे हमसे, उसके लिए बेटे देखो एक छोटी सी टेबल बनाएंगे। सबसे पहले नंबर पे ईयर, ईयर हमारे पास है 2009, 2010, 2011 एंड 2012। इनके जो प्रॉफिट हैं वो यहाँ पे लिंक निकालेंगे हम, जो रुपीज में आपको गिवन है 15,400, 17,600, 23,400, 24,620। उसके बाद जो इनका वेट होगा वो हम यहाँ पर उतार लेंगे। इसका वेट वन, टू, थ्री, फोर, इस तरीके से आपको वेट दिए गए हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। प्रोडक्ट मीन्स जो आपका प्रॉफिट है उसकी मल्टीप्लाई आप वेट में करेंगे तो ये आपका निकल जाएगा प्रोडक्ट। 15,400 की आप वन में मल्टीप्लाई करते हैं ये निकलेगा 15,400, 17,600 की आप मल्टीप्लाई टू में करते हैं तो ये निकलेगा आपका 35,200, 23,400 की मल्टीप्लाई अगर आप थ्री में करते हैं तो आ जाएगा आपका 70,200, इसी तरीके से 24,620 की मल्टीप्लाई अगर आप फोर में करते हैं तो ये आ जाएगा आपका
98,480। ठीक है बेटे, देखो बेटे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले आपको टोटल प्रॉफिट चाहिएगा और टोटल वेट चाहिएगा। अगर आप टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है तो उसके लिए हम प्रोडक्ट का टोटल करेंगे, जिनकी आप कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने पे निकलेगा आपका 219,280। जबकि अगर आपको टोटल वेट आप फाइंड करेंगे तो ये निकलेगा आपका 10 यूर्स। यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसका जो फॉर्मूला है आपके, ये है टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। देखो बेटे टोटल प्रॉफिट हो गया 219,280 डिवाइडेड बाय 10। जीरो से जीरो आप कैंसिल करते हैं, 21,928 ही क्या निकला इसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे, गुडविल फाइंड करेंगे। गुडविल का हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। वेटेड एवरेज प्रॉफिट 21,928 इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग है 3। कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकलेगा आपका 65,784 रुपीज़। क्लियर है बेटे?